खबर सोनभद्र से है। आज कलेक्ट्रेट पर भारी भरकम जुलूस लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ियों ने प्रोत्साहन राशि का विरोध करते हुए अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री से दोहराई और चुनाव के समय किए गए वादों को निभाने की याद दिलाई। मांगे ना माने की सूरत में सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। वहीं आंगनवाड़ी संघ की जिला अध्यक्ष प्रतिमा सिंह ने कहा कि आज हम लोग जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें हमारी बस केवल एक ही मांग है। जो सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था कि आंगनवाड़ियों का मानदेय 18,000 रुपये किया जाएगा, वो वादा सरकार को पूरा करना होगा। दूसरा, हम लोग प्रोत्साहन राशि जो सरकार ने 1500 रुपये बढ़ाई है उसका विरोध करते हैं। हमें सरकार का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे, नहीं तो अब लगातार सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया जाएगा और चुनाव में सरकार को मुंह की पड़ेगी। क्या मांग है आप लोगों की, जिसको लेकर आप लोग आज यहां कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे हैं, बताइए। सर, हमारी मांगे ये है कि जो मुख्यमंत्री हमें प्रोत्साहन राशि दिए हैं, वो प्रोत्साहन राशि को हम स्वीकार नहीं करते हैं। अगर देना है तो उसको मानदेय में कन्वर्ट करके दें। आज मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने जनपद में हम रैली के माध्यम से उन्हें समझा सके कि हम लोग एक अब नहीं रह गए हैं। हम लोग की मांगे जो है उसको पूरा करें और कम से कम 18,000 वेतन दें, और नहीं तो हम लोग रोड पे उतर आने के लिए तैयार हैं। अब प्रोत्साहन राशि हमें नहीं चाहिए, प्रोत्साहन राशि के उनके उनके मुंह पे मारते हैं। हमें प्रोत्साहन राशि से नहीं चाहिए, उसको देना है तो उसको मानदेय बना के हमें दें। तो क्या और भी कोई मांगे हैं या सिर्फ प्रोत्साहन राशि जो दी जा रही है उसे मानदेय के रूप में दिया जाए? मानदेय के रूप में दिया जाए सर, हमारा मेन उद्देश्य है कि उन्हें हमें राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और अगर नहीं इसमें दे रहे हैं तो कम से कम 24,000 रुपया वेतन दिया जाए। और जो प्रोत्साहन राशि 1500 रुपया हम लोग को लाली पकड़ा रहे हैं 120 दिन सत्ते में आने के बाद, कि 120 दिन के बाद हम आप लोग का मांगे पूरा करेंगे। 120 दिन कौन कहे, 5 साल बीतने को हो गया है। जिस तरीके से मायावती सरकार हमारी आई थी, मायावती वाहन जी की, उन्होंने लखनऊ में मिर्चा और गर्म पानी से हम लोग को नहलाया था, आज तक वो किसी जनपद में नहीं रह गई है मुंह दिखाने लायक, नहीं आई है। उसी प्रकार अखिलेश जी भी, पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव थे, वो भी आए, लेकिन हम लोग बहने जो चाहे वही हुआ है। आज योगी सरकार को बैठा सकते हैं तो इस पंचवर्ती में उन्हें गिरा भी सकते हैं, और गिराएंगे, इस बार गिरा के ही दिखाएंगे उन्हें। अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो इस बार योगी जी कुर्सी पर बैठने लायक नहीं रहेंगे और नहीं बैठेंगे।